हरदा जिला मुख्यालय पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा कि जो अपने मंत्रियों और विधायकों का भरोसा नहीं जीत पाए, वह आप जनता का भरोसा जीतने निकले हैं। भोपाल से तहिर खान की रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ने प्रदेश को लूटा है और इसलिए अब जनता तुम पे कभी भरोसा करने वाली नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी तुम पे भरोसा नहीं कर रहे और इसलिए उपचुनाव में तुम कितने ही हाथ पैर मारो, 27 की 27 विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए सत्ता परिवर्तन करके उन्हें व्यवस्था परिवर्तन किया, जनधन खाते खुलवाए और इसे सीधे खातों में पैसे जा रहे हैं, एक रुपये भी कहीं गड़बड़ नहीं हो रही है। उन्हें तो राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे, वो रोते रहते थे, मैं दिल्ली से 1 रुपये भेजता हूँ, गांव में आते आते 15 पैसे रहते हैं, 10-85 पैसे दलाल खजाते हैं। दलाल कौन थे? तुम्हारे जैसे लोग थे कांग्रेस के। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब 5 से लेकर प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, दलाल कांग्रेस के हुए, और इसलिए भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, गरीबों का शोषण करने वाली कांग्रेस है, दलाली करने वाली कांग्रेस है, और इसलिए अब कांग्रेस मुक्त भारत हुआ है और कमल खिला है। कमल खुशहाली समृद्धि और विकास का प्रतीक है। आप जानते हो कमल कीचड़ में खिलता लेकिन उस पर एक भी दाग नहीं लगता है। इसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री कमल के फूल हैं, वो खिले हैं प्रधानमंत्री के रूप में, उन पर एक दाग नहीं लगा सकता कोई, और इसलिए देश आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है और जनता का दिल और विश्वास हमने जीता है, और इसलिए दोबारा चुनाव भी वो जीते हैं और मध्य प्रदेश में फिर से हमारी सरकार आई है और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम कार्य कर रहे हैं। अभी आपने देखा, आपने 15 महीने में सारे विकास कार्य रोक दिए थे, एक ही रोना रोते थे रोज, पैसे नहीं है, खाली खजाना। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, उन्होंने 10 साल में मध्य प्रदेश को बंटाधार किया था, बर्बाद किया था, बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं, स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा नहीं, और 15 साल में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य में लाए, जहां 2990 मेगावाट बिजली थी उसको 18,000 मेगावाट से अधिक करके सरप्लस कर दिया, आत्मनिर्भर 24 घंटे अब गांव और शहर में बिजली मिल रही है। सिंचाई जहां 7.5 लाख हेक्टेयर थी आज 42 लाख हेक्टेयर से अधिक है और 50 लाख गांव भी कर देंगे। सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, सड़क में गड्ढा के गड्ढे में सड़क गड्ढम गड्ढा था, उसको शिवराज सिंह जी ने बढ़िया सड़कें बना के कर दी है। और कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, जितना बर्बाद मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह ने 10 साल में किया, इन्होंने 15 महीने में कर दिया। और सबसे बड़े झूठे ले, जनता से वचन दिया था कि 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बनते से ही, सरकार बनते से हम कर्जा माफ कर देंगे 2 लाख तक का, नहीं किया। और अब बड़ी बेशर्मी से, ये इतने बेशर्म है, इनको शर्म ही नहीं आती जनता के सामने झूठ बोलने में कि हमने 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया, फ्लेक्स लगा दिया, 200 करोड़ पर खर्च कर दिया विज्ञापन पे। इनके पास गरीबों के लिए अंत्येष्टि के लिए पैसा नहीं, इनके पास दुर्घटना में कोई गरीब की मृत्यु हो जाए तो शिवराज जी की सरकार भाजपा सरकार 4 लाख देती थी, वो बंद कर दिया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह होते थे, वो बंद कर दिए। पंचायतों के विकास के कार्य 15 महीने में बंद हो गए, 1 रुपये का काम नहीं, सरपंच और पंच सब फुर्सत हो गए, कहीं कोई विकास का कार्य नहीं किया और ये रोते रहते थे, खाली खजाना छोड़ गए। लेकिन कमलनाथ जी जरा जवाब दो कि इंदौर में आईफा अवार्ड करने के लिए 700 करोड़, हीरोइन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए समय तुम्हारे पास, और किसानों के लिए जब हम विधानसभा में मामला उठाते थे कि गांव में जाओ हेलीकॉप्टर है, आपके तो खुद के हैं, तो बोलता मेरे पास समय नहीं है, करते क्या हो भाई, महल में बैठ के वल्लभ भवन में बैठ के, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, दलालों का अड्डा, दिन भर वसूली करने के अलावा लूटने के अलावा कोई काम नहीं था। और इसलिए 15 महीने में तुमने खुद अली बाबा और 40 चोर की कहानी सिद्ध कर दी, कल लूटे जो आज लूटे सब पल में सरकार चल जाएगी, बहुरे लूटेगा कब, इसलिए 15 महीने लूटने में लगे, जनता की सेवा नहीं की, विकास नहीं किया। और अब तुम किस मुंह से बोल रहा हो, तुमने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया 2 लाख तक, धोखा दिया किसानों को, तुमने महिलाओं को कहा था कि जितनी भी महिलाएं स्वयं सहायता समूह का चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो सब कर्जा माफ कर देंगे, किया क्या 1 रुपये भी? आपने कहा था युवाओं को रोजगार देंगे, बनते से ही नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा 4,000, दिया किसी एक को भी? किस मुंह से बोल रहे हो विकास की बात?
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।